दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पंजशीर में हथियारों की बारिश, क्या ये बारिश अमेरिका भारत ने की? क्या नॉर्दर्न अलायंस को बड़ा मदद मिल रहा है? तो वहीं कश्मीर मामले में अब कूदा अफगानिस्तान, तो वहीं बड़ा झटका मिल गया है पाकिस्तान को कश्मीर मामले में। तो वहीं चीन तो बुरी तरीके से तबाह हो गया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। ये तो पता ही था कि पाकिस्तान भारत के लिए तालिबान के साथ हाथ मिला रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसे कश्मीर में फायदा मिले। ये जो स्क्रीन पर आप शख्स देख रहे हैं, ये शख्स है गुलबुद्दीन हिकमतयार। ये दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री रहा है अफगानिस्तान में। अब ये ISI के टुकड़ों पर पलता है तो जाहिर सी बात है ISI की ही बात करेगा। इसने भारत पे आरोप लगाया है कि भारत कश्मीर की लड़ाई के लिए अफगान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। अब जैसे ही तालिबानियों का कब्जा हुआ है, ये तालिबानी आतंकियों का गुणगान कर रहा है और भारत के खिलाफ प्रचार कर रहा है। आपको याद होगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि ताकत के बल पर पाई गई सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। इसे भी इस शख्स ने ये कहा कि अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में बयान ध्यान देना चाहिए। भविष्य के बारे में बयान देने के बजाय अपने घर के मामलों को देखना चाहिए। वैसे आपको बता दें, अफगानिस्तान से ये अकेले नहीं है जो सलाह दे रहे हैं, बल्कि अशरफ गनी के भाई भी हैं। अशरफ गनी तो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन अशरफ गनी के भाई जाकर तालिबानियों से मिल गए और तालिबानियों से मिलने के बाद ये भी भारत को समझा रहे हैं। भारत को ये कह रहे हैं कि तालिबान को समर्थन भले भारत न दे, लेकिन मान्यता दे देनी चाहिए। अब ये कौन सी बात हुई? खुद के बारे में भी वो यही कह रहे हैं कि मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मान्यता दे रहा हूँ। वैसे इन लोगों को पाकिस्तान को सलाह देनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो तालिबानी शासन को अपना ले, क्योंकि जल्द ही शरिया कानून वहाँ भी लागू होने वाला है, बजाय भारत को समझाने के। वैसे कश्मीर मामले में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका पाकिस्तान को दिया है किसी और ने नहीं, बल्कि OIC के बड़े मेंबर कतर ने। कतर ने पाकिस्तान को सीधे सीधे ना बोला है। दरअसल पाकिस्तान एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का गठन करना चाहता था, यानी कि कश्मीर मुद्दे पर कोई भी बात करने के लिए एक संगठन बने, OIC के अंदर एक छोटी सी समिति बने जो कश्मीर मामले को देखे। दरअसल इस तरह से पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाना चाह रहा था, लेकिन कतर ने सीधे सीधे मना कर दिया पाकिस्तान को। आपको बता दें, सऊदी अरब, UAE, कतर भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं और भारत के आंतरिक मामले में कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान को करारी चोट मिली इस जगह से, और सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, ये चोट तालिबान को भी मिली है जिसकी पॉलिटिकल राजधानी बना रखी है कतर में। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीन से। अब सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था के जितना चीन का नुकसान हो जाए तो ये नुकसान कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान जिनपिंग ने खुद किया है, एक ऐसा नियम लागू कर दिया जिस नियम की वजह से 24 घंटे के अंदर $2 trillion का नुकसान हो गया है चीन को। अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि जिनपिंग ने अपने ही पांव पर अपनी ही कुल्हाड़ी से मार दिया। तो आपको बता दें, हर तानाशाह को एक डर जरूर लगा रहता है कि कब उसकी जनता कर देगी विद्रोह। यही डर समाया हुआ था जिनपिंग के अंदर भी। जिनपिंग अपने हर जनता के हर शख्स का डेटा अपने पास रखते हैं, उसे सब कुछ पता होता है। लगभग उसकी 90% जनता सर्विलांस के सिस्टम में जी रही होती है, उन्हें पता भी नहीं होता है, और उनके निजी जिंदगी का सब कुछ ट्रैक होता रहता है, जिससे जिनपिंग को पता चलता रहे कि कहीं कोई विद्रोह पनप तो नहीं रहा है, कहीं उसके खिलाफ कोई आवाज उठ तो नहीं रही है। अब इन सारे क्रम में जिनपिंग को ये देखने को मिला कि जैसे जैसे व्यापारिक वर्ग, जिनके पास पैसा बहुत आ जा रहा है, उनके बोल और सोच दोनों खुले
हो जा रहे हैं, वो सरकार की आलोचना करने से भी नहीं डर रहे हैं, जैसे कि अलीबाबा का फाउंडर, जैसे कि और कई व्यापारी जिन्होंने खुलकर जिनपिंग के बारे में बोलना शुरू कर दिया। अब जिनपिंग इन लोगों को जेल में ठुसवा चुके हैं, पर अब कितनों को जेल में ठुसेंगे इससे विद्रोह और पनपता ही है। ये सोचकर जिनपिंग ने जड़ को ही काटने का सोचा। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, इनके पास आम लोगों का पकड़ नहीं होना चाहिए, साथ नहीं होना चाहिए, इन्हें पता नहीं होना चाहिए कि आम लोग कहाँ हैं, उन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वगैरह, जिसके लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ गया चीन अपनी संसद में और इसे लागू भी कर दिया। इसके तहत कोई भी यूजर से बिना पूछे उसका डेटा नहीं ले सकता है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं ले सकते हैं, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जान सकता है, कौन कितना कमाता है इसके बारे में भी नहीं जान सकता है, यानी कि डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। वैसे यूरोपीय देशों में ये नियम लागू है, लेकिन ये नियम भलाई के लिए लागू है, पर जिनपिंग भलाई नहीं बल्कि अपने लिए सोच रहा है कि ये सारा डेटा सरकारी तंत्र में होना चाहिए, लेकिन किसी कंपनी के मालिक के पास ज्यादा जानकारी नहीं होनी चाहिए आम जनता की। और जैसे ही ये कानून आया है वैसे ही शेयर बाजार धड़ाम हो गए हैं, क्रैश कर गया है। जो लोग निवेश कर रहे थे इन कंपनियों में अब वो अपना निवेश वापस ले रहे हैं, कोई नया निवेश इसमें हो नहीं रहा है। बस 24 से 48 घंटे के अंदर चीन को $2 ट्रिलियन की चपत लग गई। हालांकि फिर भी जिनपिंग इसे वापस लेने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आसान नहीं होने वाली है राहें। तालिबान फिर से भेज रहा है लड़ाकों को और पंजशीर अब पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। आपको बता दें अब्दुल रशीद दोस्तम ये भी पहुंच गए हैं पंजशीर, अहमद शाह मसूद के बेटे अमरुल्ला सालेह और अफगान की सेना सब यहां पर जमा हो गई है। जमा होने के साथ साथ अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि नॉर्दर्न अलायंस को मिल रहा है बड़ा मदद, और ये मदद मिल रहा है QRF से, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स फोर्स से। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में हथियारों को ड्रॉप किया जा रहा है इस इलाके में, ताकि इन हथियारों का इस्तेमाल कर तालिबानियों को जवाब दे सके नॉर्दर्न अलायंस। अमेरिका कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट में पूरी तरीके से आ गया है, क्योंकि अमेरिकी सीनेटर दबाव डाल रहे हैं बाइडेन के ऊपर कि ये एकमात्र मौका है जहां पर अमेरिका नॉर्दर्न अलायंस को जिंदा रख के तालिबान के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। वहीं कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। आज तक नॉर्दर्न अलायंस को कब्जा नहीं कर पाया है तालिबान। अब देखना ये होगा कि पंजशीर से कितने दिनों तक टिक पाते हैं ये सेना, या कितना खदेड़ पाते हैं तालिबानियों को। लेकिन इसमें रूस शामिल नहीं है, रूस अभी तक कोई मदद ऑफर नॉर्दर्न अलायंस को नहीं कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के सामने टिक पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।